शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। होम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि
और हमारे दीपों के एकमात्र प्यारा सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हमारी अंडमान की जो महिलाओं के लिए करीबन 50 साल से ज़्यादा जो उनकी योगदान है महिला का उद्धार करने के लिए, बहुत सारी सेवाएं महिला का उद्धार करने के लिए प्रदान किया है, उनके जिंदगी में बहुत बड़ा ये योगदान है महिलाओं का उद्धार के लिए। हमारे माँ श्रीमती शांता लक्ष्मण सिंह जी, पुष्पा मैडम, नीला मैडम, रेवा मैडम, रामैया जी हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, और INTUSU के महान नेता श्री जनरल सेक्रेटरी ज्ञान प्रकाश जी, नरसैया जी, बाला प्रधान बबलू जी, और उपस्थित और आपके जाने माने समिति सदस्य हमारे भूतपूर्व BCCI के प्रमुख श्री लक्ष्मी नारायण जी, और मैं सबसे ज़्यादा इस इलाके के उम्रदार चन्नैया जी, सुगनन जी, और बाकी सब सबको मैं सबको नमस्कार करते हुए आज का प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। आज हमारे बीच में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है MP साहब हैं, उनका इतना बड़ा योगदान इन द्वीपों में, हमने कभी 30-40 साल से राजनीति से जुड़ा है मगर कोई MP इस तरीका से काम करने का मैंने देखा नहीं है। उनकी एक एक जो काम करने का पद्धति है वो देख करके हैरान होते हैं, और विपक्ष बोलिए, हमारे संस्थाएं बोलिए, सरकारी कर्मचारी बोलिए, सब लोग बोलते हैं उनको किसने बुद्धि देता है, कभी महिलाओं के ऊपर, कभी बुजुर्गों के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर। उन्होंने भी फैसला किया कि आज ओल्ड एज का दिन है, आज वृद्धाप्य दिन है, इसीलिए जितने भी जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके साथ मैं बैठूंगा, उनके साथ मैं मिलूंगा, उनके सुख तकलीफ सुनेंगे और उनको सम्मान करने का उन्होंने फैसला किया। आज दिन भर अभी MP ऑफिस में मैं तो नहीं पाया, लेट हो गया एक मीटिंग की वजह से, बहुत सारा शानदार, कम से कम बहुत सारा भीड़ भाड़ में जो सीनियर सिटीजन आए एंड पोर्ट ब्लेयर के हर एक प्रांत से आकर के उनको भी वहाँ सम्मान का कार्यक्रम चला, सीधा वो खत्म होके यहाँ आए, यहाँ भी इनका प्रोग्राम खत्म होने के बाद कन्यापुरम पंचायत जाएंगे, फिर विम्बलगंज जाएंगे, फिर फरारगंज ओल्ड एज होम जाएंगे, इनकी ये प्रोग्राम है। देखिए, हम पद को लेने के लिए हम बहुत आगे जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाला वक्ता, स्वामी विवेकानंद बोलता है, जो काम करने वाला आदमी होता है उसका मन में हमेशा प्रेरणा रहती है दूसरा को जगाने का, इसीलिए उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत सीखा, और हमारे हिंदुस्तान का इतिहास में इंडिया अंडमान में जो MP बना है, मैं किसी का पक्ष में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी का क्रिटिसाइज भी नहीं करता हूँ, बहुत सारा MP भी है, मगर आज इंडिया का 750 MPs के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला एकमात्र MP है, ताली बजा करके उनको स्वागत करिए। पार्लियामेंट के अंदर में आपका बच्चों का समस्या के लिए, आपका नौकरी का समस्या के लिए, बच्चों का नौकरी का समस्या के लिए, लोगों की हित के लिए उन्होंने 876 बार प्रश्न काम किया है, प्रश्न उत्तर किया, उनको दो दो बार बेस्ट MP का अवार्ड मिला, दो दो बार बेस्ट MP का अवार्ड मिला, आज का समय में बताइए लगातार दो बार बेस्ट MP का अवार्ड ये इंडिया के अंदर में किसी को नहीं मिला है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, उनकी मार्गदर्शन में आज हमारे बीच में आए हैं, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे।
और आपका जो एरिया के प्रधान जी हैं मैडम रशीदा जी और समिति मेंबर लक्ष्मी नारायण जी और जितने भी पंचायत सदस्यगण हैं उनको भी मैं आभारी प्रकट करता हूं। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया, बुजुर्ग लोगों को लेकर के बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और ऐसी करते हुए मैं मैडम रशीदा से निवेदन करूंगा, मैडम इस उपलक्ष्य में दो शब्द बोले और हमारे मेहमानों को शॉल पहना करके स्वागत करें। समिति मेंबर शॉल प्रदान करते हुए एमपी साहब को स्वागत करते हैं। अभी हम हमारे प्रधान श्रीमती रशीदा मैडम से अनुरोध करते हैं कि शांता मैडम को शॉल उठाकर सम्मानित करें। सर जी श्री हेमा हमारे बबलू प्रधान जी को सम्मानित करेंगे शॉल उड़ाकर। हमारे ज्ञान सर को देंगे श्री रामलू सर गुलदस्ता। और हमारी रेवा मैडम को देगी हमारी आज हम आपके बीच आकर के एक बड़ी से बड़ी खुशी महसूस करते हैं क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं एमपी साहब आते हैं पोर्ट ब्लेयर में वहाँ के लोग से मिलते हैं और हमारे बीच नहीं आते। आज अच्छा से देखिए दमदार दिलदार एमपी आपके बीच आके बैठा है। ये गांव में बैठा है, ये गरीबों के साथ बैठा है, ये पंचायत को इतना इज्जत दी है, उन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि एमपी जो है वो आपको अपने शब्दों में बताए कि दिल्ली में रह करके वो आपसे कोई कमी आपके लिए बाकी नहीं छोड़ते। और आज देखिए कितना बड़ा दिन है कि बुजुर्गों के साथ उनका मुलाकात, उनको इज्जत देना, उनको प्यार देना, उनसे अच्छा स्वभाव में बात करना, उनका दुख तकलीफ को जानना बहुत कम लोग में होता है। ये सारा चीज जो आप आज देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। 4 साल खत्म हो गया, ये 5वां होने वाला है। आज कुलदीप राय शर्मा जी हमेशा भाषण में मैं बोलती हूँ आप सब चीज छोड़ दो, प्रादेशिक समाचार मत छोड़ो। 7:05 में आप प्रादेशिक समाचार जरूर देखो क्योंकि आपका बच्चा, इस मिट्टी का बच्चा, आपका बेटा, भगत सिंह साहब का बेटा नहीं आप लोग का बेटा है, वो कोई ना कोई सवाल उठाते रहता है और वो प्रादेशिक समाचार में पार्लियामेंट में बोलते हुए आपको दूरदर्शन में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? महिलाओं की समस्या, जवानों की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, बच्चों की समस्या, कुछ ना कुछ जो उनकी जरूरत की चीज है उसको उठाते रहते हैं। जितना उनसे बन पड़ता है, जितना आवाज दे सकते हैं, जितना सवाल कर सकते हैं, आज पार्लियामेंट में एक चांद सितारा का तरह चमक करके कुलदीप राय शर्मा है। आप पार्लियामेंट में जैसी देखेंगे आपको खुशी महसूस होगा कि हमारा बच्चा हमारे लिए सवाल करके हमारा जो मांग है उसको पूरा करने के लिए आवाज उठा रहा है। आज आप देखिए
ये सुंदर राव जी जो बताया कि मैडम आप आएगी ना, जरूर आइए, हम बोला आएगा, क्योंकि कुलदीप राय शर्मा जी बोले हैं चलने के लिए मैं जरूर चलूंगी। किसकी जरूरत है, हमें घर में राशन की जरूरत होती है, बत्ती की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, बच्चों की नौकरी की जरूरत होती है, बुजुर्ग लोग क्या चाहते हैं, अच्छा रास्ता की जरूरत होती है, हॉस्पिटल की जरूरत होती है, स्कूल की जरूरत होती है। आप जिसको एमपी बनाते हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप लोग आवाज बुलंद आवाज उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकते, जो इलाका ऐसा है जहाँ जा भी नहीं सकते वहाँ पर कुलदीप राय शर्मा जी पहुँच जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके दिल और दिमाग में अंडमान के लोगों के लिए जो प्यार है, जो स्नेह है, जो बुजुर्गों के लिए है, जो जवानों के लिए है, उनकी नौकरियों के लिए कितना लड़ते हैं, इन बच्चों को काम मिलनी चाहिए। हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि आप में कोई कमी ना रह जाए। ऑर्डर नहीं कर सकते मगर आवाज जरूर करते हैं। और इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत नाम सुना है भगत सिंह साहब का, बहुत सुना है। अंडमान में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना याददाश्त को अपना काम के द्वारा जिंदा रखते हैं, और उसमें से भगत सिंह साहब भी है, जो आप सब घर में चले जाने से उनका नाम सब जानते हैं कि इन्होंने ये मदद किया, उन्होंने वो मदद किया। आज उसी रास्ता में चल करके आपने जिनको एमपी बनाया वो आपकी मदद में लगे हुए, ये उन्हीं के बेटे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बम्बू प्लांट, ये पानी घाट, पहले हम सुनते थे, आज जा रहे हैं वो कंपनी है, सुंदर राव जी रहते हैं, सुंदर राव जी को एक फोन करने से सब बंदोबस्त होता था। और यहाँ बहुत है, मरियम है, रसीदा है, हुसैन है, और हमारे वो मच्छी फिशरीज के हाँ, बाकी सारे पंचायत के मेंबर है, प्रधान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का मनोकामना को पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। आज जो ये प्रोग्राम है बुजुर्गों का, आप सोचो इससे पहले कितना प्रोग्राम इस तरह का हुआ। आज सुबह से बिजी है कुलदीप राय शर्मा जी, सारा प्रोग्राम करते हुए आपके पास पहुंचे हैं। क्यों? एक बुजुर्ग का इज्जत बहुत जरूरी होता है। आपका दिल से दिल फाड़ करके जो आवाज निकलेगा, जो दुआ निकलेगी, आज मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद से दोबारा फिर वो एमपी बन करके आपके पास आएंगे। आप लोग ने बनाया है और आप लोग ही बनाएंगे। मैं आपको इतना बताती हूँ, कोई इतना जरूर मैं यकीन दिलाती हूँ, कुलदीप राय शर्मा जैसा काम करने वाला जवान बच्चा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। एकदम सही, एकदम सही। इतना इतना ज्यादा सोच है उनके दिमाग में कि हम अंडमान का एमपी बना है। अभी जैसा सुंदर राव जी ने कहा, उसको दो दो अवार्ड मिला है, जब वो बात करता है तो लोग उनको घूम के देखते हैं कि भाई एमपी बोल रहा है, कितना तेज तरार एमपी है अंडमान का, ये कहते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये दौरा हर दो चार दिन में वो अंडमान से दिल्ली और दिल्ली से अंडमान करते हैं। किसके लिए? आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोग की जरूरत के लिए। यहाँ पर पहले आप जैसे गरीब लोग, आप जैसे बुजुर्ग लोग के लिए डीसी रिलीफ फंड होता था, ये हमारे हस्बैंड ने बताया, लखन सिंह साहब ने बताया, ये बहुत अच्छा और जरूरी चीज है। एक एक औरत रोती थी, जिसका आदमी मर जाता था उसको कफन खरीदने का पैसा नहीं रहता था, मैंने अपने आंखों से देखा है। वो डीसी रिलीफ फंड 5
रुपया का मदद करता था और वो रिलीफेंट कहाँ से आता था, फजल अली मार्केट फंड से, वो किराया सारा वहाँ जमा होता था और उससे उनको मदद होता था। मैं चाहूंगी कि कुलदीप राय शर्मा जी उस तरह का फंड वाले लोग को, उस तरह का पैसा वाले लोग जहाँ से आना चाहिए, ये गरीबों के लिए फिर से शुरू हुए। अभी मगर 3 डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले 1 डिस्ट्रिक्ट होता था और कई गरीबों को, कई बुजुर्गों को, कई महिलाओं को उससे मदद मिला है। अब देने से 3 डिस्ट्रिक्ट में ये पैसा देना चाहिए और 500 रुपया का आखिरी मदद वहां तक पहुंचता था। इससे छोटा मोटा उनका आदमी बीमार हो जाता, बच्चा बीमार हो जाता, बस में जाना आना, चाय कॉफी लेके देना, ये छोटा मोटा मदद से भी उनको बहुत सहारा मिलता है। अगर ये इतना करेंगे तो मैं जरूर यकीन दिलाऊंगी कि मैं कुलदीप राय शर्मा जी के साथ जरूर ये डीसी रिलीफ फंड फिर से चालू कराने का पूरा कोशिश करूंगी। ये गरीबों का है, ये दुखियारों का है, ये बुजुर्गों का है, जिसको ये फंड से पैसा बहुत आराम मिलता था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कुलदीप राय शर्मा जी आज आप देखिए, इसमें बहुत सारी बातें होती है और ये जो करता है आज, इतना भी मैं बोलूंगी कि फरजान अली मार्केट फंड जिसने ये काम किया है वो एक नेक और अच्छा काम किया है। उसके नाम पर भी अंडमान में फरजान अली के नाम पर एक नाम जरूर होना चाहिए, लोग कहते हैं, मगर एक करने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, लड़ने वाला, आवाज उठाने वाला एक ही एमपी है अंडमान निकोबार का, कुलदीप राय शर्मा। ये याद रखिए आप, अगर आपका आवाज को उठाएगा, तरोताजा करेगा, उसमें दम होगा, तो वो है कुलदीप राय शर्मा। आगे आप याद रखिए, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, कान आपका है, आग भी आपका है, नाक भी आपका है, मन भी आपका है, एक ही मन रहना चाहिए और वो मन आप बना चुके थे और आगे भी बना लेंगे। इसी तरह कुलदीप राय शर्मा के कोई इस द्वीप में भी नहीं बन सकता जी, वो अपना काम से आपके दिल के अंदर गया है, वो काम करके आया है, आगे ऐसे ही नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ कि आज हम जो काम करते हैं सब उनका, उनको बता के करते हैं कि कैसा क्या काम को करना चाहिए। अब आप लोगों के पास में कितना तकलीफ होता था, पानी की कितनी समस्या थी, कुलदीप राय शर्मा जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। आज बत्ती की कितनी समस्या हो, कोई कमी बाकी नहीं छोड़ते, जितना कोशिश उनसे होता है कि घर घर में उजाला रहे, घर घर में बत्ती जाए, फूफी बत्ती दूर होए, बिजली बत्ती आए। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ साथ में कि बम्बू फ्लैट और हेडो के बीच में जो पैसेंजर बोट चलता है, आज 5-10 मिनट में एक एक बोट छोड़ता, फिरता, आता जाता। कुलदीप राय शर्मा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ा वहाँ ब्रिज बनाने के लिए, बम्बू फ्लैट से हेडो और हेडो से बम्बू फ्लैट, वो ब्रिज बन जाने से आपका कितना बड़ा समस्या दूर होगा। और ये समस्या को दूर करने के लिए उसने अपनी सारी ताकत लगाई है, अभी भी पार्लियामेंट में आवाज उठाया है आपके आराम के लिए, बुजुर्गों के आराम के लिए, जवानों के आराम के लिए, महिलाओं के आराम के लिए, बाइक का जाना, गाड़ी का जाना, स्कूटर का जाना, कार का जाना, ये सब दूर हो जाएगा तकलीफ। हम एक ही चीज चाहते हैं, हम सब मिलके उनको ताकत दे और वो अपना ताकत को आप लोग के लिए इस्तेमाल करे, तब जा करके मानना पड़ेगा अंडमान का।
का भविष्य चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, इस तरह का हालत होगा। मैं एक बार फिर आप सबों को, पंचायत को, पंचायत मेंबरान को, समिति के मेंबरान को, आप सब बुजुर्गों को यकीन दिलाती हूँ, एक ही चीज याद रखिएगा, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना तकलीफ को दूर करना है, आपको अपना सारा चीज, जरूरत का चीज को लेना है, तो आप एक ही चीज याद रखिए, हमारा निशान हाथ का निशान, हमारा एमपी कुलदीप राय शर्मा था और रहेगा। मैं ऐसे शख्स का नाम लेना चाहूंगी जो आज आपके सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं साथ में, पुराने लोग जो है जिसमें से बहुतों को मैं जानती हूँ, ये आज के नहीं, बहुत पुराने हैं, ये उम्र उनका हुआ है, एज उनका हुआ है, बुजुर्ग हुए हैं, मगर दिल उनका जवान है, उनका दिल में एक ही चीज को बैठना है कि हम जो भी है कुलदीप राय शर्मा का जरूरत का चीज हमारा पूरा करने वाला एमपी है। बस ये चीज आप अपना मन में रखिए, कभी भी कोई आए कोई जाए, एक ही चीज आपका मन में होना चाहिए। और साथ में आज देखो ये बुजुर्गों का दिल, बुजुर्गों को इज्जत देना, बुजुर्गों को प्यार देना, बुजुर्गों का साथ अच्छा वातावरण कायम रखना, और सब आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, इसका मतलब आप कितना प्यार करते हैं कुलदीप राय शर्मा को, ये आपको देख के मालूम होता है, आदमी को आदमी का चेहरा से मालूम होता है, चेहरा एक ऐसा मुस्कान चीज है कि आप खुशी हुए हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी को अपने बीच पा करके, भगवान चाहे वो इसी तरह आप लोग का सेवा देते रहे और आप लोग उसको दिल और जान से प्यार करता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। अब हम हमारे एमपी सर से निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर हमारे माता पिताओं और ग्रामवासियों को अपनी मधुर सुनवाने की कृपा करें। श्री एमपी सर जी प्लीज। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे माताओं, बुजुर्गों, मेरे साथ आए शांता मैडम और सभी सीनियर लीडर्स, इस गांव की प्रधान सीता मैडम, नरेंद्र जी, बाकी जो हमारे प्रधान और बाकी प्यारे मेंबर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, इसका एक ही मकसद है, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिला नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज के ऊपर में पार्लियामेंट करता था, दिल्ली जाना पड़ता था, बाकी कामों में व्यस्त रहता था। और कल एक बहुत बड़ा दिन आप लोगों का है जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, कल 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, तो मैं चाहता था कि इस दिन आप लोगों का इज्जत करूं, आप लोगों को सम्मान दूं, क्योंकि आज जो भी अंडमान निकोबार का जो समाज है इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा भागीदारी, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने ये अंडमान निकोबार को बहुत प्यार से, बहुत तकलीफ से ये आज जो खुशहाली हमको देखने को मिलता है, आज चारों तरफ जो हरियाली देखने को मिलता है, आज जितना भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आज जो आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, कौमी एकता, हर धर्म के लोग आपस में एक साथ मिलकर रहना, हर जात के लोग एक साथ मिलकर रहना, एक बहुत बड़ा एक संदेश आप लोगों ने पूरे ना ही सिर्फ अंडमान निकोबार के अंदर में बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर में आप लोगों ने मिसाल कायम किया। और ये संदेश, ये मिसाल आप लोगों ने आने वाला जो नौजवान पीढ़ी है इनको भी आप यही संदेश, यही मिसाल आप लोगों ने दिया, तो ये हम लोग सबका कर्तव्य बनता है, खासतौर पे जो नौजवान पीढ़ी है इनका कर्तव्य बनता है कि आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है, आप लोग का जो भागीदारी है समाज के प्रति, अंडमान निकोबार के प्रति और इस देश के प्रति, इसको हम लोग भूल नहीं सकते, इसके लिए आप सब बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है,
इस दिन में मैं सोचा कि मैं सभी अपने साथियों के साथ आपके बीच में जाऊं, आप लोगों से मिलूं और अपना रिस्पेक्ट, अपना प्यार और आप लोगों के ऊपर में एक शॉल पहना के करूं, ताकि हम लोग को बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा और आप लोगों का आशीर्वाद से हम लोग सब मिलके आने वाला समय और एक बहुत सुंदर अंडमान निकोबार हम लोग बनाएंगे। और अंडमान निकोबार का नाम जिस तरीके से आप लोगों ने अच्छी तरीके से रखा, उसे और भी बुलंदी में लेके जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ के रशीदा मैडम, नारायण भाई और जितने भी हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट, कल हम लोगों ने बात किया, सिर्फ एक दिन पहले ही बात किए थे हम लोग करीब करीब शाम के समय, और एक दिन बस एक रात के अंदर में हमारे जितने मैडम, नारायण भाई और जो भी हमारे साथी हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इतने कम नोटिस में यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनको सम्मानित करिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आप भी एमपी साहब से मैं निवेदन करूंगा, जो जुट्टी का इंसिडेंट में नारायण भाई भी खुद करके बच्चों को ये किया, उनको भी और रशीदा मैडम को भी, आप दोनों आइए, दोनों आइए। धन्यवाद। नारायण भाई, आपका एक बात मैं छूट गया बात करते करते, आप मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे एमपी सर को, जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल के हमारे बुजुर्गों के बीच में, हमारे गांव में, हमारे बस्ती में हमारे बुजुर्गों को सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे एमपी सर और हमारे पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बुजुर्ग के बीच में आया और सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बच्चों का खेल कूद के लिए, बच्चों लोगों का खेल कूद के लिए एमपी साहब ने 50 लाख रुपया को दिया है, 50 लाख रुपया ग्राउंड के लिए है, एमपी साहब अपना फंड से 50 लाख रुपया। और हमारे बीच में माटला डॉक्टर मगर कमेंट तो कुछ है ना, मैं हूँ। हम लोग जो तकलीफ है, सबसे ज़्यादा तकलीफ है अभी बम्बो फ्लड जट्टी, ठीक है ये पानी घाट जट्टी डूबने का वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस उपटाउन पंचायत वाला को है, खास करके हमारे फिशरमैन भाई को भी है और हमारे हर एक समुदाय के लोगों को है। इसके ऊपर में एमपी साहब से मैं निवेदन करूंगा, वो थोड़ा इनके ऊपर में थोड़ा ध्यान करके एडमिनिस्ट्रेशन से जल्दी तो दो इसमें दो शब्द उनका मुंह से हम लोग सुन लेंगे। देखिए, जब जिस दिन आपका ये जो गिट्टी डूबा तो मैं यहाँ नहीं था, मैं चेन्नई में था, तो प्रधान मैडम और नरेंद्र जी ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, जो पानी घाट जट्टी डूब गया है। और जो इसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सबसे पहले तो कोशिश ये किया कि जो तो बोट यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपका जट्टी डूब गया, तो जो होप टाउन जट्टी है वहाँ से पानी घाट के जितने भी हमारे साथी हैं लोग हैं, उनके लिए बोट का बंदोबस्त वहाँ से करने के लिए वो होप टाउन जट्टी में बोट को बढ़ाने का बंदोबस्त किया। और साथ ही साथ अभी मेरा ये प्रयास है कि जो जट्टी आपका डूबा है इसे बहुत जल्द हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मेरा प्रयास ये भी है कि सिर्फ इसमें हम जट्टी नहीं बनाए, जट्टी के साथ साथ एक व्हीकल फेरी भी इसमें आ सके, वो भी मैं कोशिश करूँगा, ताकि क्योंकि व्हीकल फेरी हो जाएगा तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो गाड़ी से कहा जा सकेंगे। और साथ ही साथ आपका जो पंचायत है, इस पंचायत के पास में दो बहुत बड़ा ताकत है, एक ताकत है आपका जो नॉर्थ वे, जो एक बहुत बड़ा टूरिज्म का जगह है, और साथ ही साथ मॉन्टेरे, वो भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का जगह है,
तो ये अगर एकल पेरी वाला काम हो जाएगा ये ठीक के साथ साथ, तो बहुत बड़ा तादाद में लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे अपना गाड़ी, तो उससे क्या क्या होगा, जो बहू फ्लड जितनी है उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और लोग फिर यहीं से अपना टूरिज्म एक्टिविटी करते हुए यहाँ से वापिस जाएंगे। तो मैं ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका जितनी का काम हो सके। थैंक यू सो मच। अंदमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंदमान।